जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो अब हम अलग अलग राज्यों के कुछ बच्चों से बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है। तो इधर आइए, कैमरामैन इधर दिखाओ। तो आइए देखिए, इधर बिहार के कुछ होनहार बच्चे हैं, आइए इनसे बात करते हैं हम और जानते हैं इनकी तैयारी कैसे चल रही है। भाई आप भी थोड़ा इधर आ जाइए, यहाँ बैठिए। हाँ तो भाई लोग, आपका नाम कुछ पूछा बात का? हाँ, नाम क्या है आपका? हमारा नाम संजय। अच्छा, आपका? यश। यस। तो जैसा कि आप लोगों का बोर्ड का पेपर शुरू होने वाला है, आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है बताइए, थोड़ा दिखाओ भाई। तैयारी तो ऐसा है भाई, हाँ, कि हम कुश्ती तो सीख लिए लेकिन दीवार पारना नहीं कूदे। अरे हम परीक्षा के बारे में पूछ रहे भैया, इधर हो तो वही तो तोरा कम बता रहे यार। या का करने आई तो दिख नहीं रहा है। मारने के लिए हमें 4-5 मंजिल कूदना पड़ता है। अच्छा, उसी का तैयारी चल रहा है अभी। अच्छा, तो नकल के भरोसे है भाई? हाँ, नकल के भरोसे है। हाँ हाँ, तोरा क्या लगा मैं ऐसी पास हो जाते का? अच्छा, गर्व करते है हमारे ऊपर, गर्व करते है हमारे फैमिली, पता है आपको गर्व करते है। परसों हमारे बाबूजी 5 मंजिल से कूदवाए हमरा को एकरा के खातिर। चलो भैया फिर अपना तैयारी शुरू रखो, ठीक है? ओके भैया, जाओ। अब हम इंटरव्यू लेते पहुंच चुके हैं हरियाणा में, और यहाँ के बच्चों से आइए कुछ बात करते हैं। कैमरामैन इन बच्चों का चेहरा दिखाओ, ये हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य हैं। आप लोग टीवी में आ रहे हैं, देखिए हाय कर दीजिए। अरे यू बता पहले, तू है कौन? हम लोग न्यूज चैनल से हैं, और बोर्ड के परीक्षा की वजह से जो बच्चों पे प्रेशर पड़ रहा है भाई। इधर देखिए, जो बोर्ड की परीक्षा की वजह से बच्चों पर प्रेशर चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहते हैं आपसे। 2 मिनट बात कर सकते हैं हम? जरूर जरूर, कर ले, अपनी इच्छा पूरी कर ले आज। ये बताइए कि पेपरों से पहले या बीच में होली का जो त्योहार होता है, क्या आपको नहीं लगता पेपरों की वजह से वो त्योहार बेकार हो जाता है? अरे हम तो सारे त्योहार ना खुशी मनावे, ऐसा कुछ ना भाई। बोर्ड की तो हमारे ऊपर कोई टेंशन ना, पूछ ले बड़े भाई से। टेंशन हमारे दुश्मन लेते हैं हम ना भाई। आपके दुश्मन, जैसा कि आपने सुना, इनके दुश्मन होते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे, देश का भविष्य है, और अभी से इनके दुश्मन कौन है आपका दुश्मन? दुश्मन तो हमारा ये बस एक ही है पूरे मोहल्ला में। कौन बताना? हमारा मास्टर। मास्टर ही तो है हमारा दुश्मन यार। जैसा सुना आपने, जिन शिक्षकों के हाथ में इन बच्चों का भविष्य है, वही शिक्षक आज इन बच्चों के दुश्मन बन चुके हैं। जानते हैं ऐसा क्यों, क्या हुआ ऐसा? अरे भाई एक बात बता तू इधर को, अगर तेरे ऊपर दबाव देगा तू क्या करेगा उस चीज़ का? दबाव, जैसा आपने देखा कि अभी SSC के माहौल में भी ऐसा ही हो रहा है, बच्चों के ऊपर दबाव पड़ चुका है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ बच्चों के ऊपर भी दबाव पड़ता जा रहा है। अब आप क्या करेंगे परीक्षा में? आप कैसे नकल? सबको पता है नकल वकल ना है, पास वास की टेंशन हो बस, और पास तो यूं ही हो जा। मैं ताऊ की करी फोर्ड का बोल इसको, फोर्ड यू दे देनी है मास्टर को गिफ्ट में। किधर को बापू ने खरीद रखा है पूरा ये कंपनी, ये सारी प्रॉपर्टी इन्हीं की है बस, मेरी दे देनी है मास्टर को, दे दूंगा एक फ्लोर। ये लोग परीक्षा में मास्टर को घूस देकर पास होंगे। अब मुझे पता चला कि SSC में ऐसे ही बच्चे पास होके गए हैं, इसीलिए उन्हें सरकार नौकरी नहीं दे रही है। धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से 12वीं पास होते होते आपकी सारी प्रॉपर्टी मास्टरों के हाथ में, आप यहीं आगे भीख मांगिए, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। चलो कैमरा मैन आओ, आगे चलते। तो बाल सेट करने के तरीके से आपको पता चल ही गया होगा कि हम आ चुके हैं अब दिल्ली। अब यहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं किसी छात्र का, कोई हमें छात्र दिखे जिससे हम बात करें। ये आ रहे हैं। हाँ भाई सुनिए, क्या आप पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। देखा, जैसा कि आपने देखा कि पूरे इंडिया में पहला हमें ऐसा लड़का मिला दिल्ली के अंदर जो ये कह रहा है कि ये पढ़ते हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं भाई साहब? 12th क्लास में पढ़ते हैं ये, इसका मतलब इन पे बोर्ड का प्रेशर है। क्या आपको लगता है कि होली का त्यौहार बोर्ड की वजह से खराब हो जाता है? मेरे ख्याल भाई शूटिंग चल रहा है क्या? हाँ जी शूटिंग चल रहा है, आप थोड़ा सा फ्रेम से बाहर चले जाइए, अभी बात में आपसे बात होता है। दिन कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? मेरे ख्याल से तो जो होली का त्यौहार है दीपावली त्यौहार, इससे नहीं बोर्ड के परीक्षा पर बच्चों का मेरे ख्याल से नहीं पड़ता है। बस यह है कि कुछ बच्चे खेलते नहीं है इस त्यौहार को होली को। भाई भाई मुझे भी ले लो यार। अरे तुम्हें हमने एक बात बताया ना, नहीं आना अभी, आप चूतिया हो भाई। चूतिया हुआ? नहीं हम संजय है भाई। तो चूतिया जैसा काय कर रहे हो, अभी आपसे बात करेंगे ना आप, जी ना उधर अभी बात करते हैं। क्या चाहिए ऐसे? मैं कहता कि बस कुछ बच्चे खेल नहीं पाते इसकी वजह से त्यौहार वगैरह, बाकी बोर्ड का तो सब तैयारी तो अच्छी चल रही है।
है। अरे भैया सही में चूतिया है यार, जाओ यार, अभी बात कर रहे हैं ना तुमसे, बात कर रहे हैं सीरियस मैटर, अभी बात करेंगे आपसे, बोला ना बात करते हैं, अभी मजदूर वाला हम इंटरव्यू लेंगे, बात करते हैं आपसे, रुकिए आप थोड़ा। अब आप ये बताइए हमें कि ये जो बोर्ड का जो परीक्षा है, आपकी तैयारी कैसी चली इस परीक्षा में, आप तैयार हैं? तैयार तो है, लेकिन आप जानते हो कि थोड़ी बहुत तो नकल हर जगह चलती है। अच्छा, मतलब कि दिल्ली में भी राजधानी में भी नकल के भरोसे हैं लोग। भाई भाई एक बार कर लो, इनका सूट कर लो, इनका चेहरा दिखाओ थोड़ा सा, हाँ उसमें दिखाओ, दिखाओ इसमें, जाओ कंघा लेके आओ, कंघा है भाई, लेके आओ, लेके आओ घर से, कंघा तो नहीं है कुछ और है, आप देखो चेहरा देखो उसमें। हाँ तो आप बताइए हमको कि मतलब नकल का भरोसा है आपको? अच्छा अभी जवाब दे रहे हैं, थोड़ा रुकिए, इनका चेहरा आने दीजिए, फिर आपका लेंगे। नकल के भरोसे हैं आप? तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है कि हर जगह चलता है, बच्चे थोड़ी तो राजधानी के अंदर भी, दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर भी बच्चे नकल के भरोसे हैं, देख सकते हैं देश का भविष्य कैसे खतरे में पड़ा है। चलिए कोई नहीं, अब जी फर्रा बनाइए, भाई पड़ेगा कौन से न्यूज पे आएगा ये? आएगा आएगा MKK वाइंस पे आएगा, देखना। अच्छा ये बताओ, जो मजदूर संघ का काम चल रहा है ठेला चलाने का, ठेला चलाने में कोनो दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है भाई यार, दिक्कत होती है। हाँ। तो कहा ठेला चला, तो भगवान ने अच्छा खासा भिखारी जैसा चेहरा दिया है, भीख कहीं नहीं मांग लेते? भीख मांगने की कोशिश किए थे। अच्छा वो भी नहीं देते है क्या? वो भी नहीं देते है यार, बहुत हमारा दुख है आपके प्रति। बाद में आपसे बात करते हैं, कभी और मुलाकात होगी, शायद आप भी प्रिया प्रकाश वॉरियर की तरह एक्सप्रेशन दे दे, आप भी क्या पता कल को पॉपुलर हो जाए आंख मार के। हाँ दे दे एक बार एक्सप्रेशन। हाँ दे दे, दे दिया, ठीक है चलिए हम दिखा देंगे, क्या पता आप पॉपुलर हो जाए। धन्यवाद। तो आइए कैमरामैन, चलते हैं हम अब किसी अन्य राज्य में, आइए। तो जैसा कि आपने इस मांग के टीके से समझ ही लिया होगा कि अब हम आ चुके हैं केरल, मतलब कि हमारे इंडिया के साउथ के हिस्से में, और यहाँ के बच्चों से अब हम जानेंगे कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है। ये हमने दो बच्चे इधर खड़े किए हैं, कैमरामैन इनका चेहरा दिखाओ, आइए भैया। ये बताइए आप लोगों का परीक्षा का तैयारी कैसा चल रहे हैं? हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ आया तो हमें बता दीजिएगा, अब हम अगला सवाल पूछते हैं। आपको नहीं लगता कि जो पर्व त्यौहार के बीच में जो परीक्षा हो गया है होली के त्यौहार के बीच में, तो इससे कोई फर्क पड़ता है परीक्षा पे? इल्ला इल्ला स्वामी इल्ला 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 स्वामी इल्ला। इनके कहने का मतलब है कि इनका परीक्षा पूरा का पूरा रजनीकांत जी के भरोसे है, कन्नड़ा। ओके धन्यवाद आप सभी का। इल्ला 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 कन्नड़ा। पो 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 पो। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे किस तरह से परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं दिलो जान से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और भी भारत के कोने कोने में हमारे वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। कैमरामैन कैमरा बंद कर दो, चलो। क्या आपको लगता है कि होली का त्योहार बोर्ड की वजह से खराब हो जाता है? मेरे क्या भाई भाई शूटिंग चल रहा है क्या? हाँ जी शूटिंग चल रहा है, आप थोड़ा सा फ्रेम से बाहर चले जाइए, अभी बात में आपसे बात होता है। तो मैं कह रहा था त्योहारों से थोड़ा बहुत पड़ता है, बच्चों पे प्रेशर पड़ता है। अरे भाई भाई थोड़ा मुझे भी ले ला यार, ये तो हमें चूतिया लग रहा है। आएगा आएगा MKK वाइंस पे आएगा, देखना। अच्छा ये बताओ, जो मजदूर संघ का काम चल रहा है ठेला चलाने का, ठेला चलाने में कोनो दिक्कत होती है? अरे कोनो दिक्कत नहीं होती है भाई, बैंडल वैंडल मार ले तो सही, बैंडल तो पूरा ढंग से मार लेते हैं यार, लेकिन दिक्कत हो रहा है उसमें हो जाती है। तो ठेला काहे चलाते हो? अच्छा कहा था भगवान ने भिकमंगे जैसा चेहरा दिया। तो बोल दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। हेलो